हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, कल है जून की एक्सपायरी, यानी कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और हम देख रहे हैं कि मार्केट बहुत टाइम से वॉलेटाइल थी। ये पूरे मंथ बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रही है मार्केट। अब किस तरीके से हमें स्ट्रैटेजी को वर्क करना चाहिए और किस तरीके से हमें स्टॉक सिलेक्शन कल के लिए करना चाहिए, क्योंकि कल मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल और रह सकती है। अब मैं आपको इसके बाद एक वीडियो और मेरी आने वाली है जिस पर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की पूरी एनालिसिस समझाई जाएगी, कल किस तरीके से ये दोनों बिहेव कर सकते हैं। और बहुत बढ़िया रेंज से इसने ब्रेकआउट दिया, यानी कि वो एक पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है, पर उसके पैटर्न से ब्रेकआउट देने के बाद जहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है वहाँ पर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। सो अब हमें किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, वो भी वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी थोड़ी देर में। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जो कल आपको आउट परफॉर्म करा के दे सकते हैं इंट्राडे के अंदर, चाहे मार्केट ऊपर रहे चाहे नीचे रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन पांच स्टॉक्स की जो आप देख सकते हैं, बजाज फाइनेंस, एस्कॉर्ट्स, उज्जीवन, शोभा, डेल बिल्डकॉन। इन पांच स्टॉक्स को आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे एडेड हैं तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको कुछ स्टॉक्स दिए थे 24 जून को, और मैंने आपसे कहा था कि 2 से 3 दिन इसे होल्ड करके रखेंगे इन पर्टिकुलर पाँच स्टॉक्स को या चार स्टॉक्स को, तो आप बहुत अच्छे रिटर्न में जाएंगे। उसमें से एक बजाज फाइनेंस भी था जिस पर मैंने आपको 35.65 पे आपको शॉर्ट की सलाह दी थी फॉर अ टारगेट ऑफ 35.30, और गाइज उसका टारगेट अचीव हो गया था। पर वहाँ से उसने जब बाउंस दिया तो उसने एक लेवल पे जाके ब्रेकआउट दे दिया। बहुत बढ़िया तरीके से इसने अपनी रेंज को ब्रेकआउट दिया, यानी कि 4 से 5 महीने की जो एक रेंज थी उसके ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है चैनल के ऊपर जाके। तो ये हमारे लिए एक बेस्ट बाय बन सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 36.42, 36.60 का टारगेट। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है, वो आपको वही मेंटेन करके रखना पड़ेगा। बाइंग लेवल मैं आपको बता देता हूँ 13.3615, 3620 के आसपास आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। स्कॉट्स बाय करने की सलाह दी जाएगी 561, 570 तक के टारगेट्स। स्टॉप लॉस आपको जो मेंटेन करना होगा वो आपको करना होगा 543। सेम पैटर्न जो उसके अंदर बना हुआ है बजाज फाइनेंस के अंदर, बिल्कुल सेम पैटर्न स्कॉट्स के अंदर बना हुआ है। हम एक चैनल के अंदर से इसने हमने एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, सो एक बेस्ट काउंटर है बाय के लिए। उज्जीवन, हम देख रहे थे कि उज्जीवन में बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी। मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा उज्जीवन शॉर्ट की सलाह ही देता था। आप लोगों को पहले मैंने शॉर्ट की सलाह बहुत बार अपने चैनल पर उज्जीवन में दे दी है, पर अब वो एक लेवल पर आ चुका है 200, 288 से आज उसने बाउंस करा था, तो वो एक इसके लिए एक अहम सपोर्ट लेवल था। वहाँ से उसने जो बाउंस करा है 200 दिन का एवरेज था उसका, अब हमारे लिए एक समझ सकते हैं कि एक शायद बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें 1 या 2 दिन के लिए शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो वो 310 तक के लेवल भी हमें उज्जीवन में देखने को मिल सकते हैं। सो उज्जीवन आप 298.5 के आसपास इसे बाय करके चल सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 310। शोभा बाय करने की सलाह दी जाएगी 352 के आसपास आपको इसे बाय करना है। सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, इस पर आपके लिए कोई बाइंग रेंज नहीं है। टारगेट आपके लिए जो है 538, 545 होंगे। स्टॉप लॉस आपको 522 का मेंटेन करना पड़ेगा। ये जो बाइंग लेवल आपको दिख रहा है ये मिस्टेक से आ गया है, इस पर आपको कुछ नहीं देखना है। टारगेट और स्टॉप लॉस आप नोट करके चल सकते हैं। दिलीप बिल्डकॉन, दिलीप बिल्डकॉन की अगर हम बात करें तो यही स्टॉक मैं आपको अपने बहुत टाइम से, मैंने अपनी जो पिछली वीडियो बनाई थी उस पर भी मैंने आपको ये स्टॉक को बार बार गौर करके बताया था कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को आप कैश प्राइस में लेकर बैठ जाइए और आपको बहुत बहुत अच्छे खासे रिटर्न दे जाएगा। आज भी ये 10% चल गया, यानी कि अगर आपने मेरी बात मान के इस स्टॉक को होल्ड करा होता तो ये आपको 10% का रिटर्न आज ही दे चुका होता। तो गाइस अभी भी आप इसे बाय करके चल सकते हैं, 440 का इसका करंट लेवल है। अगर ये आपको 435 या 432 के आसपास भी मिलता है तो भी आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 460। 460 का इसका एक अहम रेजिस्टेंस है, अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक को ब्रेक कर देता है लेवल को तो 504 तक के लेवल भी हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले हफ्ते के अंदर। बहुत बढ़िया कैश काउंटर का स्टॉक मैं आपके लिए चुन के लाया हूँ, अभी भी आप इसे बाय करके चल सकते हैं। सो गाइज, मैंने आपको पांच स्टॉक्स जून की एक्सपायरी यानी कि कल 27 जून के लिए बता दिए गए हैं। अगर अब आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रैटेजी समझनी है कि किस तरीके से उसमें हमें ट्रेड लेना चाहिए तो वो वीडियो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी मेरे चैनल पर। अगर आप जाएंगे शिवांश भसीन के अंदर, सबसे पहले आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और दूसरी अहम बात कि ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी आपके साथ मैं 3 शेयर करने वाला हूँ कल जून के एक्सपायरी के लिए, तो वो ऑप्शन स्ट्रैटेजी से भी अगर आप वर्क करेंगे तो आप अच्छे खासे रिटर्न निकलवा सकते हैं। उस ऑप्शन स्ट्रैटेजी को देखने के लिए भी हमारे चैनल पे अगर आप जाएंगे या आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे शिवांश भसीन तो वहाँ पर मेरा चैनल आपको दिख जाएगा। वहाँ जाके आप पहली 3 वीडियोज़ को ध्यान से देखिएगा जो कल के लिए मैंने खास बनाई हुई है। सो
तो कल मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। शुक्रिया।